पेंशन बाड़क के पोस्ट मैट्रिक आदिवासी हॉस्टल में रैगिंग का मामला सामने आया है। राजधानी में यह रैगिंग का दूसरा मामला है। पहले डीटी नगर और अब पेंशन बाड़ा के हॉस्टल से सीनियर और जूनियरों पर अत्याचार करने की घटना सामने आई है। जूनियरों ने सीनियरों पर रैगिंग करने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत जूनियर छात्रों के द्वारा सिटी कोतवाली थाने में की गई है। रैगिंग के दौरान शरीर पर आई गंभीर चोटों के निशान छात्रों ने पुलिस को दिखाया। पीड़ितों का कहना है कि सीनियर उनसे कपड़े शौचालय साफ करवाते हैं, अभद्र बातें करते हैं और तो और अश्लील हरकतें भी की जाती है। रोज शराब पीने के बाद सीनियरों द्वारा रात के 3 बजे तक जूनियर छात्रों की मीटिंग ली जाती है। इस दौरान उनके साथ मारपीट की जाती है। कई छात्र तो रैगिंग के डर से ही हॉस्टल छोड़कर भाग जाते हैं। छात्रों ने बताया कि सीनियर ऐसे भी हैं जो 15 सालों से हॉस्टल के कमरों में कब्जा जमाए बैठे हैं और वह नहीं चाहते कि नए छात्र हॉस्टल में रहने आए। बाथरूम को पूरा साफ करवाते थे वहाँ पर, और अगर ना करने अगर हम लोग बोलते थे कि सर अब इतना गंदा चीज़ क्यों काम करवाते हो सर, जबकि उनके लिए अलग से जो चपरासी स्वीपर हैं वो लगे हुए हैं, पर भी हम लोग को क्यों कराते थे? तो ऐसे बोलने पर भी वो लोग क्या बोलते थे, तुम लोग जुबान लड़ाते हो करके बाथरूम में खड़ा करके पूरा लाइन से सब लोग को मारते थे। सर मेरे कोचिंग को भी छोड़वा दिए कि तुमको हॉस्टल में काम करना है, नहीं जाना है करके। हमेशा दहशत में रहते थे कि कभी भी आ जाएंगे, और मारपीट तो एकदम आम बात था, बिना मतलब के झापड़ मारना। ये अत्याचार इसी वजह छोड़ना पड़ा। दिन में उठना, सुबह उठते थे तो दिन में उठते थे, फिर कॉलेज जाते थे, कॉलेज में सोते थे और हॉस्टल में जगते थे, ये कंडीशन के कारण जिससे हम लोग का पढ़ाई बर्बाद हो रहा था, कोई मतलब ही नहीं था। इसीलिए वहाँ सर सुबह तो हम लोगों को 4 बजे उठा देते थे, उसके बाद बाथरूम साफ कराते थे, और सुबह बाथरूम साफ कर सब नहा वहाँ कर हम लोग खाना खाने भी सर समय नहीं मिलता था। बता रहे हैं कि मारपीट करते हैं सीनियर लोग, तो उस पर लिखित शिकायत दिया, इस पर कार्रवाई करना के लिए आवेदन और इनका मुलायजा फॉर्म भर के जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IDP24 न्यूज। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।